श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर आपको धन की कमी है, बहुत कर्जा हो गया है, कर्जा चुक ही नहीं रहा हो, तो दीपावली की रात को करे उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले गुरु जी के बताए हुए अनुसार मैं बता रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में मध्य बिंदु रात्रि को पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आमला पास में हो तो आमला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन तीन वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे है। तीन दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, एक गणेश जी के लिए और एक सरस्वती के लिए। तीन दीप घी के, एक फूल बत्ती का, दो लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, दो दिए लंबी बत्ती का, घी के भरे हुए दिए, पूरा भरा हुआ दिया होना चाहिए, उसमें एक एक कमलगट्टा उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर और स्मरण करें अपने लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करके गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर होना चाहिए, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण कीजिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिए लगाने आए हैं उस भाव को व्यक्त करिए, दिए के बत्ती पेड़ के साइड करके रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो दिए का जो बत्ती होता है ना, उसका पेड़ के साइड करके रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपनी मन का कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए और उस दिए को जब उठाइए तो उसका मुख पेड़ के तरफ होना चाहिए, बोलते समय पेड़ के तरफ होना चाहिए उस दिए का मुख। स्मरण करते समय जब नीचे रखेंगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए, जब आप पेड़ के नीचे रखेंगे तो दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए। पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश कीजिए और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कीजिए। एक रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां एक रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कितना भी कर्जा होगा माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि आपका कर्जा चुक जाएगा, दूसरी बार कर्जा होगा ही नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर।